आज MT4 पढ़ना है। MT4 पढ़ना है आज। MT4 का कल पेपर है। MT4 का तो आप दूर बैठे हो थोड़ी। MT4 में कितने मतलब आपने कितनी यूनिट कर दी है? अभी एक ही यूनिट है। ओके। दिखाओ क्या होमवर्क किया है कल? होमवर्क वाली कॉपी नहीं लाई। क्यों? एक तो बोल दे। होमवर्क वाली कॉपी क्यों नहीं लाए? वो गलती से कर रहे हैं। ऐसी गलती करोगे तो एग्जाम के लिए मतलब कैसे आप मतलब क्वालिफाई करोगे? एग्जाम जो होगा कल उसको कैसे आप मतलब अचीव करोगे नंबर्स को? कल होमवर्क दिया है, मुझे क्या पता आपने कल कुछ किया है नहीं हुआ? किया था। क्या किया था? तैयारी करी। कौन सी तैयारी है मुझे दिखाओ, बताओ किताब में से कौन सी तैयारी की थी आपने? कौन सा यूनिट आपने मतलब कंप्लीट किया है? पिछले दस दिन हो गए आपको मैं एक ही मतलब एक यूनिट का आप रिवीजन कराते, लेकिन आपने अभी तक कुछ सॉल्व करना नहीं सीखा इसमें। कैसे आप एग्जाम में कैसे पास होंगे? तो कल होमवर्क दिया उसको भी आप बोल रहे हो कि कल घर कॉपी रहेगी? कल तो एग्जाम ही आपका, कल यहाँ पे क्या अचार डालोगे उसका? मतलब इतना भी तुम्हें होनी है कि समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अभी ये लेसन 4 का अभी रिवीजन करो, बताओ मुझे। एक ग्लास पानी पीना है। हाँ ठीक है मैं लाता हूँ। ठीक है वो वहाँ से ऐसे करके फिर पानी दे दो। हाँ पूरा। लो पानी। बीटरूट क्या होता है? बीटरूट बीटरूट चुकंदर होता है। चुकंदर खाते हो? अच्छा खाते हो? मुझे लगा मेरी मैथ की बुक में। नहीं चुकंदर खाते हो? खाते हैं मीठा होता है, लाल लाल कलर मीठा होता है ना। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चंस करोगे आज की डेट में और कल एग्जाम में दोगे वो भी आपको मीठा स्वाद देगा। सवाल मीठा देगा? हंसने की बात है, ये पढ़ रहे हो हंस रहे हो यहाँ पे? मैं कुछ सिखा रहा हूँ ना। क्या लेना देना? वो एग्जांपल दिया मैंने एक। करो किसका फॉर्मूला है ये वाई इक्वल्स टू बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैथ का क्या है इस फॉर्मूला का नाम क्या है? अब ये भी नहीं पता होगा, ये भी नहीं पता। अब क्या मतलब क्या क्या करोगे ये अगर ये भी इसका मतलब ही नहीं पता कौन सा फॉर्मूला का नाम क्या है? नहीं है मेरा पेन गिर गया। लो पेन लो। ये वो है क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। वाह ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच गए आप। ज्योमेट्री आप कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री आप में हो। वाह वाह ऐसे आप क्वालिफाई करोगे अपने एग्जाम में जो नंबर से। मुझे आता है पर नाम नहीं पता इसका। जब आपको नाम इसमें आपको नाम ही नहीं पता तो कैसे कैसे करोगे कैसे? जब आपको नाम ही नहीं पता तो एग्जाम में क्वालिफाई कैसे करोगे मतलब?
जब इस फॉर्मूले का नाम नहीं पता, आप बोल रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप ज्योमेट्री के फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? ये वो मैं बाद में बताऊंगा, आप इसको पहले सॉल्व करो। इसमें भी ए बी सी की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, फिर वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर सॉल्व। अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो, अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी करके इसमें से बी की वैल्यू निकल जाती है। अगर हमें हमारे पास और ए और बी दोनों की वैल्यू नहीं है तो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए और बी दोनों की नहीं। सी क्या होता है? सी वो होता है सेंटर पॉइंट। किस चीज का सेंटर पॉइंट? लाइन का। सर्कल हो तो? सर्कल हो तो मिड पॉइंट होता है, बीच में जो रहता है वो क्या होता है? मिड पॉइंट ही होता है। चलो ये अपना जाओ, अपने रिवीजन करना और करना एग्जाम सही से देना। चलो जाओ।